तो लगता है जैसे मुझको खुदा मिल गया। चल तो रहा था मैं गुमशुदा सा, अब रास्ता मिल गया। कायनात ने मेरी मदद की है इसे रियलिटी बनाने के लिए। सूफी ब्रो हाथ पे चोट लगी है, बॉक्सिंग क्यों कर रहा है? व्हाट्सअप? कुछ नहीं यार, मामूली सी चोट है। चोट कैसे लगी? ये मत पूछ कि चोट लगी कैसे, उस किस वजह से लगी, उसके लिए तो मैं हर रोज शूट खा सकता हूँ। क्या बात है, कल तक जो शेरों की तरह घुराता था शेर बोल रहा है। Listen bro, tell me what's up, I'm curious. बताओ। मैं बेवकूफ हूँ तो उसको बताऊंगा? इसमें हाँ भी नहीं कह सकते, ना भी नहीं कह सकते। नहीं तू बेवकूफ नहीं है यार, तू बेवकूफ नहीं है, बट लिसन क्या चल रहा है ब्रो बताओ। पता नहीं यार, कुछ अजीब सा फील हो रहा है। मैं सीधा सवाल पूछता हूँ। कहीं ये इश्क विश्क प्यार व्यार का तो मामला नहीं है मेरे भाई? What are you saying, bro? मैं कब से नोटिस कर रहा हूँ तेरे अंदर एक चेंज आ गया है। वक्त जाया नहीं करते और मुझे बताइए कि वो लड़की का नाम क्या है। अब तो ये रिश्ता आपको ही करवाना पड़ेगा रशु आपा। देखो बच्चों ने तो अपना काम कर ही लिया है, अब हम बड़ों को ही रिश्ते की बात करनी पड़ेगी। और ये कस्टम्स और रिचुअल्स के बारे में आपसे बेहतर कौन जाने। हाँ और रशदापा एक बात और प्लीज, अब इस वक्त हम फारू और आदिल साहब को नहीं बताएंगे। पर रिश्ता किसका है, हमारी इमी का? अरे वाह, सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी टाइम। मैं उसकी माँ को फोन करती हूँ और आप बात कर लीजिए। लड़की कौन है? ओ कायनात सहानी। नहीं अरे सॉरी, अगर मैं तुझे बताऊंगा तू मेरी लेगा। आई नो वन दैट। तेरी लेगा मतलब क्या? कल तू मुस्कुरा रहा था, आज एक नई नवेली दुल्हन की तरह तू शर्मा रहा है। टेल मी हु शी इज, आई विल कॉल हर अप, कांग्रेचुलेट। आई डोंट नो व्हाट द फक इज गोइंग मायसेल्फ, सो आई विल टेल यू व्हेन आई गेट टू नो। ओके ओके, सो देन इवन आई विल टेल यू व्हेन आई फील लाइक इट। एक्सक्यूज मी, तुझको भी, तुझे भी प्यार हो गया? मेरी भी कंडीशन सीरियस है, मैं भी उसी बीमारी का मरीज हूँ। कौन है वो? एक वजह है जिसकी वजह से मैं उसका नाम नहीं ले सकता। ऐसी क्या वजह? तो बेसिकली मामला ये है ब्रो के आई लाइक हर। ओके, शी लाइक्स मी। हम दोनों के बीच एक कनेक्शन है, लेकिन हम दोनों ने कभी डायरेक्टली इसके बारे में बात नहीं की। लेकिन दोबारा मत मानना, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है शी डजंट लाइक यू। व्हाट? क्यों? ओह डूड, क्या वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है? I mean, I'm sure मैं सेक्सी होगा। Oh fuck, dude, I'm cool with that. I am not cool hearing that. Cool. But I'm not you. That I'm absolutely okay with that. I'm not cool hearing that. Man, I'm old school. अरे लोग जी रहे हैं नॉर्मल वर्ल्ड में। क्या?
I'm okay with that. But I'm not okay hearing this now. Tu, I'm going to sit up. Tu, work out kar. Amy, Amy, bata do. Kar tu, work out kar. Aapne to usse dekha hai? Ghar aa chuki hai wo. Kainaat. अपने अब्बा के साथ जो घर आई yes, yes, yes. मैं उसकी माँ को फोन करती हूँ बेचारी थोड़ी सी बीमार है लेकिन आप बात कर लीजिए हम नहीं दीना इट्स रिंगिंग अगर वो बीमार है तो हम हेलो ताहिरा सानी या मैं राशिदा अब्दुल्ला बात कर रही हूँ जी हाँ जी सब खैरियत तो है जी जी सब खैरियत है बस वो आपके घर आना था रिश्ता लेके रिश्ता अब बच्चे हमें सब कुछ तो बताते हैं नहीं पर हमारा बेटा और आपकी बेटी कायनात एक दूसरे को चाहते हैं बहुत तारीफ करते हैं सब बहुत तारीफ करते हैं उसकी हमारा बेटा भी सूफी भी सब बच्चों ने तो अपना फैसला कर दिया है तो मैंने सोचा हम मिलके रिश्ते की बात करें देखिए मुझे एक बार कायनात से बात करने दीजिए मैं आपको कॉल बैक करूँ जी हाँ जी आप बात कीजिए चलिए शुक्रिया अल्लाह हाफिज़ कायनात ने मुझे ये क्यों नहीं बताया शिमला के काफी इलाकों में दंगे चल रहे हैं पुलिस चारों तरफ पहुंच चुकी है गंभीर स्थिति को अंडर कंट्रोल करने के लिए यस मम्मी आई एम फाइन मैं तो अभी ऑफिस में हूं यार शिमला में काफी सारे रास्ते ऑलरेडी बंद हो चुके हैं और न्यूज आ रही है कि हालात और खराब हो गए तो कर्फ्यू भी लग सकता है कर्फ्यू लगने की नौबत नहीं भाई कर्फ्यू लगने ही वाला है मुझे पक्की खबर मिली है गाइस आई गॉट दिस कर्फ्यू वीडियो मुझे अपलोड करना चाहिए हां चल कम मुझे आपसे अर्जेंटली एक्चुअली किसी मैटर पे बात करनी है सो अगर आपके पास दो मिनट हैं तो शो कम इनसाइड द कैबिन ज्वेल टॉक टू यू या यस सर so very weird for me to isliye maine decide kiya hai that either I will resign or find a new job because I can't be doing this with my boss so matlab main sirf tumhara boss hu you are more than just my boss जी अम्मी बेटा तेरे बॉस का प्रपोजल आया है मेरे बॉस का प्रपोजल हाँ बेटा उनके घर से फोन आया था कह रहे थे कि तुम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हो आप एक सेकेंड अम्मी तुम बेवकूफ हो क्या ऐसे कौन करता है प्रपोजल भेजने से पहले प्रपोज भी करना पड़ता है लड़की को प्रपोजल सूफी वो लास्ट मंथ की मार्केटिंग फाइल आई हैव अ प्रपोजल इतनी जल्दी आई मीन तुम्हारा जवाब क्या है इतनी जल्दी जवाब कौन देता है आई मीन अभी मैंने हाँ नहीं कहा है स्टूपिड इम्तियाज चुप रहे क्या पूछ रहा है कुछ भी पूछ रहा है पर एक क्या प्रपोजल की बात कर रही है अम्मी अम्मी हेलो अम्मी काय अम्मी आर यू ओके काय कायनात अम्मी लिसन इज एवरीथिंग ओके आई डोंट नो इम्तियाज अम्मी की ब्रीदिंग फास्ट हो रही थी मुझे जाना पड़ेगा आई थिंक उनको अटैक आया आई हैव टू गो जी आई विल टेक केयर ऑफ यू कॉल द हॉस्पिटल ओके क्या करो चलो निकल 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 नि
मैडम प्लीज पहले आप घर पहुंचिए और घर से बाहर मत निकलिए। चलिए जल्दी चलिए जल्दी चलो यहाँ से गाड़ी आगे लाओ चलिए जाइए चलिए कानत, are you okay? सुफी, मॉम की तबीयत ठीक नहीं है मुझे मुझे समझ नहीं आ रहा है राइट सो रहे हैं घर पे कोई फोन नहीं उठा रहा है मुझे लगता है मुझे उन्हें हॉस्पिटल अकेले लेकर जाना पड़ेगा मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ कानत, हेलो कानत, हेलो क्या वो ठीक तो है दी आप फिक्र मत करो मैं कुछ करता हूँ क्या हुआ आई नीड योर हेल्प बेबी क्या गाड़ी है तुम्हारे पास ऑफ कोर्स लेकिन मेरे हस्बैंड के पास है व्हाई फक क्या हुआ है बताओ तो अम्मी 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 इसके मॉम डैड का नंबर है तुम्हारे पास हाँ उनको फोन करके बोलो वो यहीं पे है एक मेरा कॉल आ रहा है हाँ काय पापा आप कहाँ पे हैं काय बेटा सुनो यहाँ पे मैं कॉलेज में ही हूँ अटक गया हूँ यहाँ पे कर्फ्यू की वजह से और सुनने में आ रहा है कि बाहर कुछ गाड़ियों को भी चला दिया है बेटा तुम लोग ठीक हो ताहिरा ठीक है पापा मी हेलो पापा आई विल कॉल यू बैक हेलो काय लिसन टू मी डॉक्टर पेशेंट को हार्ट स्ट्रोक हुआ कोई स्पेशलिस्ट है इमरजेंसी है आई कैन अंडरस्टैंड मैं पेशेंट को एडमिट कर लेता हूँ बट आज हार्ट स्पेशलिस्ट नहीं आने वाले सर डॉक्टर वो आएंगे सर आज डॉक्टर गोयल की शादी है और आज बाहर शहर में कर्फ्यू भी है इसके वजह से वो आ ही नहीं पाएंगे सर डॉक्टर गोयल आई एम सॉरी मैं जानता हूँ आपकी शादी है लेकिन इट्स इमरजेंसी आपको मेरे साथ हॉस्पिटल चलना होगा एक्सक्यूज मी कौन है आप क्या बोल रहे हैं अरे मेरी शादी चल रही है आई कांट कम आई कांट देखो डॉक्टर बात बहुत सिंपल सी है इट्स इमरजेंसी और हिप्पोक्रेटिक ओथ के बाद आप किसी को भी ट्रीट करने से मना नहीं कर सकते जो लेडी वहाँ पेशेंट है ना वो मेरी गर्लफ्रेंड की माँ है एंड आई लव माई गर्लफ्रेंड शी इज एवरीथिंग फॉर मी अगर उन्हें कुछ हो गया ना आई विल किल यू क्या एंड ट्रस्ट मी मुझे बहुत कम चीजों से डर लगता है और जेल जाना तो बिल्कुल नहीं क्या बोल रहे हैं ये क्या बात कर रहे हैं ये एक मिनट भैया 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 एक मिनट गौतम तुम्हें जाना चाहिए यार अरे लेकिन ये आपके साथ जरूर जाएंगे लेकिन रिंकू ये लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से कितना प्यार करता है तुम्हें इनकी हेल्प करनी चाहिए रिस्पेक्ट योर हिप्पोक्रेटिक ओथ गो एंड सेव देम और मैं क्या जा रही हूँ मैं तो यही पे हूँ ना मैं वेट कर लूंगी अब जाइए डॉक्टर साहब और अपना काम करिए ठीक है ठीक है जल्दी आऊंगा चाहूं तुझे मैं किस कदर शायद मुझे भी नहीं पता